बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशा मदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में शादियों वाला फ्राई चिकन देगी कोरमा की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। तो चलिए देखते हैं कि शादियों वाला फ्राई चिकन देगी कोरमा किस तरह बनाएंगे और इसके लिए हमें कौन से इंग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज जो हमारा काउंटर है वो कुछ ज्यादा ही भर गया, क्योंकि हमने चिकन देगी कोरमा, तो इसके लिए मैंने 1.5 या 2 किलो जो है वो मैंने चिकन लिया है। और इसको वॉश करने का तरीका आप जल्दी से देख लें। ये देखें व्यूअर्स, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को लेकर इसको हमने सिरका और नमक के साथ जो है इसको वॉश करना है। तो करना क्या हमने, ये मेरे पास 1.5-2 किलो गोश्त है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब मैं खुला बर्तन ले लूंगी, ये इस तरह मैंने खुला बर्तन लिया, इसके अंदर हम ये सारा गोश्त डालेंगे। अच्छा जी, ये मैंने अब गोश्त डाल दिया है। गोश्त डालने के बाद हमने क्या करना है, हमने 1/2 कप के करीब जो है वो सिरका डाल देना। 1/2 कप जो है मैंने इसके अंदर सिरका शामिल कर दिया। सिरका आपने किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर लेना है। और ये मैंने नमक जो है 3 से 4 चम्मच नमक के हैं, नमक हमने ऐड कर लिया सिरके को करती हूँ मैं साइड पर। अब हम क्या करेंगे, पतीली भर के इसके अंदर जो है वो हम पानी शामिल कर देंगे। बस आपने इस तरह इसको छोड़ देना है, नमक सिरका और पानी, कोई और एक्स्ट्रा चीज हमने इस्तेमाल नहीं की। जब भी कोई देग बनाता है जो नाई वगैरह होते हैं वो हमेशा सिरके और नमक के पानी के साथ चिकन को वॉश करते हैं। एक तो जो ब्लड होता है वो अच्छे से निकल जाता है, दूसरा ये है कि जो चिकन की एक मखसूस स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाती है। बस हमने इसको यूं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हम इसको साफ कर लेंगे। हाँ जी, अब मैंने क्या किया था, उसके बाद इसको सादे पानी से वॉश करके छलनी में निकाल लिया। पानी खुश करने के बाद मैंने चिकन को इस तरह से ले लिया। इसके साथ हमने 125 ग्राम जो है वो प्याज ले लिए थे। प्याज लेने के बाद हमने इसको क्या किया, सादे घी में सिंपल तरीके से इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद हमने इसको क्रिस्पी कर लिया, ये बहुत ही क्रिस्पी है, ये देखें। अगर आप मार्केट से लेना चाहे तो ये मार्केट से भी मिल जाते हैं, वरना ये सिंपल इसको तरीका जो था फ्राई करने का, फ्राई करने के बाद आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, आप इसको अपने ही टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। कसूरी मेथी मैंने ली है 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चम्मच, नमक मैंने 1 चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे। हल्दी हमने 1/2 खाने का चम्मच, अचार गोश्त मसाला मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं, सफेद मिर्च पाउडर जो है वो मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च मैंने ली है 1/2 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है साबुत सूखा धनिया, 1 चम्मच जो है वो मैंने जीरा लिया है साबुत, 2 खाने के चम्मच हमने कोरमा मसाला लिया है, 1/2 कप मैंने दूध लिया है, 1/2 प्याली मैंने दही लिया है और इसको अच्छे से बीट कर लिया है। फ्रेश हरा धनिया मैंने लिया है गार्निश के लिए, और मेरे पास टमाटर अवेलेबल नहीं थे लेकिन टमाटर की पेस्ट थी, और इतने इतने साइज के जो क्यूब्स हैं वो मैं 2 इस्तेमाल करूंगी। तो आप नॉर्मल साइज के 2 या 3 टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्राउन प्याज लेनी है, इसके साथ हरी मिर्चें लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और टमाटर लेकर हम इनकी पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी इनमें शामिल करके इनकी एक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और उसको सेपरेट कर लेंगे। इसी पेस्ट में हमारा जो चिकन है वो पकेगा। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, जीरा सूखा धनिया और कसूरी मेथी, इन तीनों को हमने अलग से पाउडर कर लेना है, इनको पीस लेना है, फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी पेस्ट पहले बना लेते हैं और फिर स्टेप 4 की तरफ चलेंगे। मैंने अब जग ले लिया, जग के अंदर हम ये सूखा धनिया डालेंगे साबुत, ये जीरा लेंगे,
और ये कसूरी मेथी ले लेंगे। इस तरह से इसको मैं कैप लगाऊंगी और पीसना स्टार्ट करूंगी। इस पाउडर को मैं कर दूंगी साइड पर। इसको अब मैं निकालने लगी हूँ जग में, जग से, और ये हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसको रख दूंगी साइड पर, नियर टू कुक जब होगा तब मैं ये पाउडर उसमें शामिल करूंगी। चलें अब हम जो पेस्ट वाला स्टेप है उसकी तरफ जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, टमाटर क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश वाले टमाटर ले लीजिएगा। चलिए मैं अब इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ये मैंने पानी शामिल करा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बनाने लगी हूँ इसकी पेस्ट। टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट रेडी हो गई है, लेकिन अब हमने कहा था कि साथ में हम जो प्याज हैं अपने वो शामिल करेंगे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इस थोड़े थोड़े करके इसमें प्याज शामिल करेंगे। साथ साथ हम जरूरत के मुताबिक इसमें पानी भी शामिल करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, फिर से इसको चलाएंगे। बाकी का बचा हुआ प्याज इसके अंदर डालेंगे। हमारी जो पेस्ट है वो तैयार हो गई है, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी पेस्ट जो है वो अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसको करने लगी हूँ साइड पे और स्टेप फोर की तरफ चलते हैं। स्टेप फोर में हमने क्या करना है, इस तरह एक बड़े खुले मुंह वाला जो है मैंने पैन ले लिया है, आप पतीली में भी इसको बना सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, चिकन को फ्राई करना है। उसके लिए मैं डालूंगी घी, बस लाइट सा गोल्डन हमने करना है। ये मैंने डाल लिया इसके अंदर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा। जैसे ही ये घी गर्म होगा हम इसके अंदर अपनी चिकन को जो है वो शामिल करेंगे। ऑयल जो है वो अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसको साथ साथ मिक्स करेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक और फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो चिकन है वो जितना हमें चाहिए था उतना मैंने इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बोटी ना टूटे। तो बस हम इसे मज़ीद एक मिनट जो है वो फ्राई करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। बस चम्मच आपने इस तरह चलाना है कि इसकी बोटी ना टूटे, ठीक है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी किसी बर्तन के अंदर। ये मैंने खुला मुंह वाला बर्तन ले लिया, मैं इसके अंदर इसको निकालने लगी हूँ। ये देखिए अब मैं इसको कर लूंगी साइड पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हमने इसी घी के अंदर जो हमने मसाला तैयार किया है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मैं एक दफ़ा आपको चिकन पहले अच्छे से दिखिए, देखें जी चिकन का रंग आप देख सकते हैं, ये फ्राई हो गया। मैं इसको करने लगी हूँ साइड पर। चलें जी, ये मैंने मसाला डाल दिया, आपने थोड़ी एहतियात से डालना है, एकदम से ये बाहर आया है। अभी जो ऑयल है वो थोड़ा कम हो गया है, मैं थोड़ा मज़ीद इसके अंदर जो है वो ऐड कर रही हूँ। फ्राई वाला ही मैंने ऐड किया है। अब आंच को जो है मैंने नॉर्मल कर लिया, बस जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होता है एक से दो मिनट हम इसको भून लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसके अंदर सारे मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, बस अभी इतने ही मसाले हम डालेंगे और इनको अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ तक आप देख लें कि मैंने कोई घी वगैरह नहीं, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमने जस्ट नमक, मिर्च और हल्दी शामिल की है और जो हमारी पेस्ट थी बस। जैसे ये थोड़ी सी तैयार होगी हम क्या करेंगे, इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। इस पोजीशन में आपने चम्मच चलाते जाना है
और आप ये देख लें कि मैंने ये सीधे चावल वाला जो चम्मच है उसका इस्तेमाल किया है ताकि जो हमारी बोटी है वो साबुत रहे। अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी जो चिकन है हम उसको ऐड कर देंगे। इसको मैं करती हूँ साइड पर और अब इसके अंदर जो है हम इसको पकने देंगे। ये देखें माशाल्लाह इसने जो ये मैंने इसे 2 से 3 मिनट भुना था इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दही शामिल करेंगे। मैंने आंच को जो है वो नॉर्मल कर दिया है, 2 से 3 मिनट हम इसको नॉर्मल आंच पर पकाएंगे और फिर हम आंच को तेज कर देंगे। और साथ में अब जो है मैं दूध इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये मैं दही वाले बर्तन में डाल रही हूँ ताकि जो दही लगा हुआ है वो साफ हो जाए। ये मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका बता रही हूँ, जितने भी मार्केट में शेफ हैं या जो कुक हैं अच्छे अच्छे जो शादियों पे बनाते हैं वो इसी तरीके से और इसी पैटर्न से बनाते हैं। अब मैं आंच को हल्का किया हुआ है, अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 2 मिनट के लिए और 2 मिनट बाद हम आंच को तेज करेंगे जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा। चलिए व्यूअर्स अब हम इसको चेक करते हैं साथ साथ जो हमने करते जाना है। बिस्मिल्लाह, ये देखें जो हमारा चिकन है उसके ऊपर अभी से ही बहुत ही खूबसूरत जो कलर आ चुके हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत इसमें कलर आ गया और ऑलमोस्ट जो है वो दही का पानी खुश्क होने वाला है। अब मैं क्या करूंगी, साथ में ही अचार गोश्त मसाला, कोरमा मसाला और सफेद मिर्च जो है वो डाल दूंगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से गोश्त में यकजा हो जाए। आंच को अब मैंने तेज कर दिया हुआ है, अब मैं इसको ढक्कन नहीं दे रही, बस ऐसे ही इसको मैं पकाऊंगी और वक्फे वक्फे से हम चम्मच चलाते जाएंगे। बस चम्मच चलाते हुए आपने ध्यान रखना है कि बोटी खुले ना और उसकी कोई भी जो बोटी है वो टूटे ना। पानी खुश्क होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, इसमें दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब लास्ट पर हम ये कसूरी मेथी और जो हमने सूखा धनिया और जीरे का पाउडर बनाया था वो मैंने इसमें शामिल किया है ताकि जो इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब ये हमारा बिल्कुल पक चुका है, बस हमने लास्ट पे अब काली मिर्च इसमें शामिल करनी है और चूल्हा बंद कर दे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे और 1 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर। अब हमने इसके अंदर काली मिर्च जो है वो शामिल कर दी है, बस हमने 1 मिनट तक इसको पकाना और चूल्हा बंद करके इसको हमने गरम गरम सर्व करना। चलिए व्यूअर्स, हमारा जो सालन है वो पककर तैयार हो चुका है, हम इसको एज इट इज ही सर्व करने वाले हैं। तो अब मैं चूल्हा जो है वो बंद कर दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो कोरमा है वो पककर तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर कलर वगैरह इसका देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आया है और हमारी जो बोटी है वो भी ये देखें बिल्कुल साबुत है। स्पेशली जो हमारे लेग पीस हैं, वरना क्या होता है इनसे गोश्त अलग हो जाता है और हड्डी अलग हो जाती है। और आप ये देखें कि रेडी हो चुके हैं, बस हमने इसको इसी फॉर्म में रखना है और अब मैं इसको थोड़ा सा धनिया डाल के गार्निश करूंगी। इसके साथ ही आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।